हे वन, आज हमारे पास है एक GT111 स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर। ये कि ये दूसरा बजट, आप एक ऑल्सो बजट स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर है। एंड ये आप कह सकते हो TG113 का भाई कह सकते हो इसे, ठीक है, भाई बहन जो भी कहना आप कह सकते हो इसको, क्योंकि ये सेम टू सेम वैसा ही है। बस थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसके लोगों से, तो यही पता चल रहा है। पर देखेंगे आगे कि कैसा ये होने वाला है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या आप इसको परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो एवरीवन, यू आर वॉचिंग Suffocations, मैं हूं यश, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग से, अनबॉक्सिंग से पहले मैं दिखा देता हूं आपको क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर है, यहाँ पे कुछ डायमेंशन है, ये कलर्स हैं। मेरे पास ये वाला कलर है, ब्लैक मंगाया था बट उन्होंने भेजा ये है मेरे को, हो सकता है अवेलेबल ना हो। एंड ये है ट्रांसमिशन डिस्टेंस 10 मीटर है, आउटपुट 4 ohm 5 volt है, प्ले टाइम 2 से 4 घंटे का बताया गया है, बैटरी कैपेसिटी 1200 mAh। 1200 mAh बहुत होता है बैटरी कैपेसिटी, अगर ये सही तरीके सच में 1200 mAh के तो काफी चलने वाला है ये, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस, GT111 यहाँ पे ऊपर, ब्रांड वगैरह मेंशन नहीं है यहाँ पे, सो खोल लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका वो स्पीकर, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बॉक्स को कर देते हैं हम साइड में, बॉक्स को बाद में देखेंगे। एंड ये आ गया आपका स्पीकर, रैपर को हटा देते हैं। अब अगर मैं स्पीकर की बात करूं ओवरऑल, सो स्पीकर की डिजाइन, स्पीकर का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा है, ठीक है, मतलब इंप्रेसिव डिजाइन है, डिजाइन अच्छा है, ट्रायंगल शेप में आप कह सकते हो। एंड ऊपर यहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एक शाइनिंग फिनिश मिल जाती है पैटर्न के साथ, यहाँ पे आपको ये मेन प्ले पोज बटन है, ये आप 2 से 3 2 स्पीकर इकट्ठे कनेक्ट भी कर सकते हो, ये बटन उसके लिए होता है, ठीक है। ये मोड बटन है, ये वॉल्यूम बटन है, ये प्ले पॉज बटन है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको माइक दिया गया हुआ है, ठीक है। पीछे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे USB है, SD कार्ड स्लोट है, ये चार्जिंग स्लोट है, ये छोटी LED लाइट है, एंड ये ऑन ऑफ बटन है, ऑफ है, इसको ऑन करके देखते हैं, ऑन ही नहीं हुआ, इसका मतलब डिस्चार्ज्ड है ये, इन्होंने चार्ज करके ही नहीं भेजा है यहाँ पे। कोई नहीं, मैं चार्ज करके दिखाऊंगा आपको। अगर मैं इसकी ओवरऑल इसकी बात करूँ तो ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, देखिए ऐसे स्लिपरी है ये, ठीक है, हिल जाता है, मतलब किसी ने ऊपर से कपड़ा डाला हुआ ऐसा लग रहा है, ये प्रॉपर फिक्स नहीं है। TG113 में जो है प्रॉपर फिक्स ज़्यादा था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी उस फाइबर की, फैब्रिक की, सो इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी अजीब सी है, फिटिंग काफ़ी अजीब सी है, ठीक है। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। बाकी हैवी है स्पीकर, वो तो अब चलने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा इसका क्या होने वाला है। सो मैं एक बार इसको कर लेता हूँ चार्ज एंड फिर देखते हैं हम इसका साउंड टेस्ट करके कि कैसी इसकी वॉल्यूम है, कैसा इसमें बेस है। सो बने रही, तो मैंने इसको चार्ज कर लिया है 1 से 2 घंटा, एंड अब देखते हैं इसको ऑन करने करके कि कैसे ये रहता है, एंड फिर देखेंगे इसकी वॉल्यूम कैसी होने वाली है। सो ये यहाँ से मैंने किया ऑन, आई थिंक सो डिफेक्टेड पीस है यहाँ पे ये, नहीं ये ऑन ही नहीं हो रहा, 2 घंटे मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा, इसका मतलब इसकी बैटरी में डिफेक्ट है यहाँ पे। सो बैटरी इसकी बेकार है, तो मतलब पहला जो एक्सपीरियंस है उससे तो मैं खुश नहीं हूँ, बट देखते हैं इसको रिप्लेस करा के, इसको रिटर्न करा के मैं दूसरा ऑर्डर करता हूँ, एंड फिर देखेंगे कि इसकी वॉल्यूम कैसी है, क्योंकि हो सकता है इसकी बैटरी में प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं है सारे ठीक हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कि इसकी वॉल्यूम कैसे होने वाली है। सो बाकी आपने लुक वगैरह सारी चीज़ें तो देख ही ली हैं, एंड इसका जो प्राइस था वो था 400 रुपये, मैंने 400 रुपये दिए हैं, तो दूसरा मैं मंगा के देखता हूँ इसकी जगह, एंड देन देखेंगे कि कैसा उसकी वॉल्यूम है। सो ये थी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना। हमारा दूसरा चैनल है टेक्स नाम से, आप हमारे चैनल को लिंक में फाइंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको भी जो है फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।